दोस्तों साल 2009 में एक बुक लॉन्च हुई थी जिस पर काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे किताब का नाम था डिस्कवर द डायमंड इन यू और इसको लॉन्च करने वाले थे आप सब के चहेते शाहरुख खान इतना ही नहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी किताब को रिकमेंड किया था और लिखा था कि ये किताब आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए ये तो बात हो गई किताब की मोटी मोटी एक प्रस्तावना के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि किताब लोगों को युवाओं को सफल बनाने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए लिखी गई थी अब साल 2009 से निकलकर सीधा प्रवेश करते हैं साल 2020 में 2009 से 2020 के बीच की स्टोरी इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सीधा आ जाते हैं साल 2020 में और हम पाते हैं कि देश के युवा रूपी हीरो को तराशने वाला ये जोहरी जो कि इस किताब का लेखक भी था तेईस करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी के मामले में जेल में था अब बात करते हैं 2009 से लेकर 2020 के बीच के इन 11 सालों के बारे में जिस समय के दौरान पूरा फ्रॉड हुआ, जिसमें तकरीबन सभी शामिल थे फ्रॉड करने वाला इस फ्रॉड में साथ देने वाले लोग और देर से सोकर जागने वाला हमारा सरकारी तंत्र दिल्ली में बड़ा सा हेडक्वार्टर पूरे देश में करीब अठारह से ज्यादा ब्रांचेज और इस संस्थान का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी आई जिसने कर दिया करीब 230 मिलियन का एजुकेशन स्कैम। इस इंस्टीट्यूट का पता बताते थे लाखों रुपए में खरीदे गए टीवी चैनल और अखबारों के फ्रंट पेज पर आते एडवर्टीजमेंट के साथ में बालों की चोटी बनाए हुए हीरो जैसा दिखने वाला ये शख्स जिसका नाम अरिंदम चौधरी है दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे अरिंदम चौधरी कैसे सडनली पूरे भारत में अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो भी एजुकेशन सेक्टर में कुछ समय बाद जब ये चमक टूटी तो सामने आता है नए भारत का एक सोचा समझा और बेहद सजावटी तरीके से किया गया एक बहुत बड़ा स्कैम नए जमाने का उदय हो रहा था और उसी के साथ ही नए जमाने के गुरुओं ने भी जन्म ले लिया जिनके भक्त थे युवा छात्र इन गुरुओं ने अपना से...